यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो भी बातें हम करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हैं। शॉर्ट टर्म में काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जैसे गिरावट होता है तो गिरावट पे आपको डीप में हमेशा बाय करना चाहिए और हमेशा सेल ऑन राइज करना चाहिए। चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, हमेशा बाय ऑन एवरी डिप। तो जैसे मार्केट गिरता है तो मार्केट जब गिरे तभी आपको बाय करना चाहिए और जब मार्केट ऊपर चला जाए तब फिर सेल करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आप 5 साल के लिए बाय करते हैं, 10 साल के बाय करते हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे और आपके इन्वेस्टमेंट गोल पे निर्भर करता है। अगर आपका गोल अचीव होता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इसका एनुअल रिजल्ट। देखिए हमने कई सारे पैरामीटर्स आपको बता रखे हैं कि जिसपे आपको शेयर को एनालाइज करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है कि कंपनी का क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। जब इंक्रीज नहीं हो रहा है तो टेक्निकल चार्ट पे वो इंक्रीज कहाँ से होगा? पहले कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तभी वो टेक्निकल चार्ट पे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए, काफी बेहतरीन है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 2021 में हो चुका 8,400 करोड़ का। वहीं बात करें पिछले 10 साल पीछे भी आप जा सकते हैं, 5 ईयर्स भी पीछे जा सकते हैं, वहीं बात 2015 में करें तो 5,690 करोड़ का था। देखिए लगातार जंप हुआ है। 2012 में बात करें मात्र 5,000 का था, तो यहां से 3,400 का रेवेन्यू में इंक्रीज देखने मिला है। नेट प्रॉफिट आपको देखना हो तो वो भी देखते हैं। नेट प्रॉफिट हम देखते हैं यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट जो एनुअल नेट प्रॉफिट करोड़ में वो अभी हो चुका है 673 करोड़ का, तो देख सकते हैं 2021 में। और वहीं पीछे चलते जाइए, और जैसे आप पीछे जाएंगे तो पीछे यहां पर हम चलते हैं 2012 में, तो मात्र था 11.9 करोड़, मतलब 12 करोड़ के लगभग इक्वल था। तो 2012 में, तो भाई देखिए 2013 में हो गया 200 करोड़ का, फिर 2014 में हो गया 242 करोड़ का, लगातार इंक्रीज होते चला गया नेट एनुअल प्रॉफिट। इस तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है लगातार, कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट में उतार चढ़ाव रहा है। देखिए यहाँ पर 2019 में प्रॉफिट मैक्सिमम था, वहाँ से 2020 में थोड़ा गिरावट मिला, 2021 में क्योंकि थोड़ा सा जो पैंडमिक आया है, पैंडमिक कारण कंपनी का बिजनेस हर किसी का प्रभावित हुआ है। कुछ कंपनी ऐसे भी है जो ऑनलाइन बिजनेस में है तो उनका बेनिफिट भी हुआ है पैंडमिक के कारण, कुछ कंपनी को फार्मा सेक्टर की कंपनी को बेनिफिट भी हुआ है, तो कुछ कंपनी है जिसे बेनिफिट हुआ है, तो पैंडमिक कारण मैक्सिमम कंपनी को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तो वो इसी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस कंपनी का भी डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के बिजनेस पे चलेंगे तो कंपनी कौन से बिजनेस करती है वो दिखाएंगे और उस बिजनेस पे कितना पैंडमिक का प्रभाव पड़ा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड पे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप कंपनी के पास इक्विटी जो शेयर कैपिटल है वो 31.4 करोड़ का है और जो रिजर्व सरप्लस है कंपनी के पास वो है 4,616 करोड़ का। अगर आप अलग अलग वेबसाइट का यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफर मिलेगा, लेकिन अप्रोक्स सबका सेम ही होता है, 1-2 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ का अंतर मिलेगा। तो इतना बड़ा अमाउंट में 10 करोड़ का डिफरेंस कहीं कहीं देखने मिलेगा, तो कोई खास फर्क नहीं है। अब बात करें यहाँ 2012 में तो था रिजर्व सरप्लस 1,281 करोड़ और वहाँ से लगातार बढ़ते बढ़ते 4,600 करोड़ पहुँच चुका था। रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का सेल्स प्रॉफिट सब चीज़ इंक्रीज हो रहा है। नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास जो टोटल डेट है, तो कंपनी का टोटल डेट देख लेते हैं, कंपनी के ऊपर टोटल डेट कितना है। तो देखिए लॉन्ग टर्म जो डेट है कंपनी के ऊपर 1,000 करोड़ के आसपास है और वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो जो है मात्र 0.3 का है। और डेट टू इक्विटी रेशियो को यहाँ एनालाइज भी कर सकते हैं आप। देखिए 2012 में था 1.2-1.3 के आसपास और वहाँ से लगातार इम्प्रूव होते होते 0.3-0.2 तो लगभग निगलिजिबल है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एक तरह से, क्योंकि डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, मात्र 0.3 है। इक्विटी के कंपैरिजन में डेट जो कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है, तो ज़्यादातर कैपिटल जो है कंपनी के पास वो अपना है। कंपनी के पास काफ़ी कम कैपिटल डेट के रूप में है जिसको कंपनी आसानी से पे कर सकते, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा एनुअल प्रॉफिट आ रहा है।
तो ये हो गया बैलेंस शीट का बात। अब वहीं आप बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियो का, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियो है जो दिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 14.48% का है, वहीं 2020 में 17 का था, तो यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है क्योंकि नेट प्रॉफिट आपने देखा कि डिक्रीज देखने मिला था। वहीं बात करें 2019 में 25 का था, तो यहाँ तो और ज़्यादा था, तो 2019 में जो प्रॉफिट था वो मैक्सिमम हुआ था, तो यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैक्सिमम देखने मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पीछे हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हुआ था, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो कैपिटल यूज कर रहा है कंपनी उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो लगभग 17% है, तो 15% से अभव बहुत काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर 2020 में 20% था और यहाँ पर तो 27.56 था 2019 में, जो कि मैक्सिमम था, और उससे पहले हमेशा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव होते गया। तो इस तरह से कंपनी लगातार ग्रोथ दिखाई है रिटर्न ऑन इक्विटी में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो की बात करें, हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो यहाँ पॉजिटिव जनरेट हुआ है। देखिए 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में हमेशा, और कैश फ्लो लगातार बढ़ते चला गया है, तो काफ़ी बेहतरीन साइन है। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो 327 करोड़ का नेट कैश फ्लो जनरेट किया 2021 में, ये भी लगातार बढ़ते चला गया कंपनी का। बीच बीच में थोड़ा सा कैश फ्लो निगेटिव रहा है लेकिन वो कम है, जबकि नेट कैश फ्लो जो पॉजिटिव है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट कर पा रही है जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो इसमें मैक्सिमम है 66.57% है। यहाँ पर देखते हैं प्रमोटर्स का होल्डिंग आपको दिखाएगा 66.53%, और यहाँ पर ग्राफ में भी देखते हैं प्रमोटर स्टेक लगभग कांस्टेंट है। यहाँ पर 2019 में थोड़ा सा शेयर जो है प्रमोटर्स के द्वारा प्लेस किया गया था, लेकिन 2019 में ही फिर उसको रिमूव कर लिया गया। यहाँ आप देखते हैं सेप्टेम्बर 2019 में शेयर प्लेस किया गया था, और दिसंबर 2019 में जो प्लीज शेयर था उसको मतलब प्लीज से छुड़ा लिया गया प्रमोटर्स के द्वारा। तो ये बिहेवियर जो होता है यहाँ पर शेयर प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट मिलती है, और जैसे अगले क्वार्टर में यहाँ पर प्रमोटर्स पूरी तरह से अपने शेयर प्लीज को फ्री करा लिया, तो यहाँ पर आपको इस तरह के कंपनी में काफ़ी गिरावट में अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इन्वेस्ट करने का। और साथ ही साथ यहाँ पर रिजल्ट भी 2019 में काफ़ी बेहतरीन रहा था, लेकिन शेयर प्लेस होने के कारण शेयर में उतना ग्रोथ देखने नहीं मिला होगा बल्कि गिरावट आया होगा, तो वहाँ पर मौका मिलता है ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने का। जैसे शेयर प्लेस फ्री किया गया, पहले नहीं लेना है, जब शेयर प्लेस फ्री किया जाता है प्रमोटर्स के द्वारा पूरी तरह से, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो प्रमोटर्स स्टेक मैक्सिमम है 66%, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अभी है 0.96% मात्र, और बात करें यहाँ पर FIIs का होल्डिंग 3% है, और यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग बात करें 20% है, और अदर्स होल्डिंग 9.5 है। अदर्स होल्डिंग में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए वो आ गए, तो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग यहाँ लगातार डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो FIIs का होल्डिंग है ये लगातार अब यहाँ पर बढ़ना चालू हो गया है पिछले दो क्वार्टर से। तो कुछ इस तरह का मतलब कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और प्रमोटर्स का होल्डिंग है। अब बात करते हैं इसके पीएस कंपैरिजन का। तो कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, और ये कंपनी है हमारा डीसीएम श्रीराम, 15,000 करोड़ इसका देखिए मार्केट कैप है, और वही एसआरएफ ये भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, 46 करोड़ का मार्केट कैप है, और तीसरी जो कंपनी है 3M इंडिया 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन में है एसआरएफ, दूसरा 3M इंडिया और तीसरा श्रीराम। तो यहाँ पर एसआरएफ भी काफ़ी महंगे शेयर प्राइस हैं, 3M इंडिया ये तो काफ़ी महंगे जिसको आप बाई नहीं कर सकते। सेक्टर लीडर में जो सबसे अच्छा स्टॉक बचता है वो है डीसीएम श्रीराम, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बिजनेस पे भी जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप इसका 15,000 करोड़, ये देखिए एसआरएफ से काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहा है, फिर यहाँ पर देखिए 3M इंडिया से भी काफ़ी कम दिख रहा है। इसमें दो स्मॉल कैप भी है, बालमल लोहड़ी और सूर्य रोशनी, ये दो स्मॉल कैप स्टॉक है, आप चाहे तो उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर एक है क्वींस कॉल। तो ये कुछ इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस सेक्टर में ये इन सारी कंपनियों का। dcmsriram.com पर आप विजिट कर सकते हैं, कंपनी का वेबसाइट है, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए बिजनेस सेगमेंट है, और भी कंपनी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। देखिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जो फ्यूचर में कंपनियाँ जो भी प्रोडक्ट ला रही है, क्या नया करने जा रही है, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ बिजनेस पे आते हैं, देखिए तो एग्री बिजनेस करती है, क्लोरोविनाइल बिजनेस करती है, वैल्यू एडेड बिजनेस करती है एग्री बिजनेस में। यहाँ पर देखिए एग्री रूरल बिजनेस में यूरिया हो गया, शुगर हो गया, फार्म सॉल्यूशन, हाइब्रिड सीड्स
और हरियाली किसान बाजार, तो ये सारे प्रोडक्ट हैं। और विनाइल जो बिजनेस है, क्लोरोविलाइन बिजनेस, इसमें देखिए कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, बीपीसी कंपाउंड मैनेजर, पीवीसी रिसाइंस बनाती है, कैल्शियम कार्बाइड बनाती है, क्लोरो एल्काइड बनाती है, कास्टिक सोडा बनाती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मतलब प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद इधर आ जाते हैं तो वैल्यू एडेड बिजनेस में फेंटेसा यूपीवीसी विंडोज बनाती है। तो ये इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो इस डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का चार्ट का। तो यहाँ पर देखिए शेयर प्राइस का जो चार्ट है इसमें 2019 में प्रॉफिट मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पर एक प्रमोटर के द्वारा जो गलती हुआ था, शेयर को प्लीज कर दिया गया था। लगभग प्रमोटर के पास जो था 76% शेयर उसका प्लीज हो चुका था, जिसके कारण देखिए जबरदस्त गिरावट आया, शेयर प्लीज रिमूव कर दिया गया, सेप्टेम्बर में ही रिमूव कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो पैंडमिक के कारण गिरावट आया उसके कारण शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आया था, मात्र 180 रुपये पे ये शेयर मिल रहा था और वहाँ से ये 1200 तक ये शेयर जा चुका है। तो एक जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न दिया है लगभग 7 से 8 times, और फिर से इसमें स्टॉक में जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने मिला है। तो यहाँ पर गिरावट होने दीजिए, कभी भी ये 600 के आसपास आता है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में होगा, जिसके नीचे आना काफ़ी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन रहा है, शेयर प्लीज भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और ये हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न दिया। देखिए 2016 में भी कोई इन्वेस्ट किया रहा था तो मात्र 250 रुपया, वहाँ से ये स्टॉक लगभग 600 गया था और यहाँ तो फिर से 170 पे जो इन्वेस्ट किया 1200 गया, तो बहुत बड़ा ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो जब भी गिरावट आता है बाय कीजिए, और जब भी आपका लगे कि आपको रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा है, जितना आपका इच्छा है, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आप बाय ऑन डिप करेंगे, जब भी डिप पे मिलता है, गिरावट मिलता है, उस समय डरना नहीं, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और डिप पे बाय करना है। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।